सो गाइस वेलकम बैक। एंड देखो मैं एक चीज पहले आपको क्लियर कर दूं कि मैंने अभी तक मूवी नहीं देखा है और भाई मैं मूवी देखने के लिए नहीं जा पाया, बट आपको बता दे रहा हूँ भाई साहब यहाँ पे जो गाइस यहाँ पे रिव्यूज निकल कर गए गाइस, रिव्यूज भाई जैसे कि आप लोग जानते हैं गाइस दुबई के अंदर भाई साहब यहाँ पे पेड रिव्यूज थे और दुबई में हमारे जो भाई बंधु जो भाई साहब यहाँ पे फैंस है गाइस उन्होंने जो मूवी देखा है गाइस लिटरली मतलब जिन तरह से भाई साहब यहाँ पे रिव्यूज निकल कर रहे हैं मस्त से भाई आपकी बार 500 पार। मैं हकीकत बता दूं भाई आपकी बार 500 करोड़ पार ये आप लिख कर ले लो आराम से, सीरियसली गाइस आराम से ये हो करके रहेगा। अब देखो इंडिया की बात कर लेते हैं भाई, इंडिया के अंदर जो प्रेस शोज थे वो बहुत लेट थे और लिटरली काफी लेट थे एंड इस वजह से मैं नहीं जा पाया, बट हकीकत बता दे रहा हूं अभी तक इंडिया के रिव्यूज नहीं आए। लेकिन भाई साहब यहाँ पे गए जो दुबई के रिव्यूज निकल करके आए, भाई साहब यहाँ पे जो ओवरसीज के अलग अलग जगहों पे जहां पे हमारे पेड रिव्यूज थे, भाई साहब यहाँ पे गाइस एक फैन ने, यस गाइस एक फैन ने यहाँ पे रिव्यू शेयर किया है, एक्शन एक्शन एंड मोर धमाकेदार एक्शन, बीजीएम इज नेक्स्ट लेवल, देयर इज नो प्लेस फॉर मच इमोशंस ड्रामा और एनी लव स्टोरी, एवरीथिंग इज अ ग्रैंड स्टाइलिश एंड गुड लुकिंग, डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस इफ यू लाइक दिस जेनर और नॉट, पृथ्वीराज सुकुमार स्टील द शो। भाई जो चीज आप लोग सोच रहे थे कहीं ना कहीं वही है, धमाकेदार एक्शन धमाकेदार एक्शन धमाकेदार एंड से भाई साहब वही धमाकेदार एक्शन बस हम लोग फील करने वाले। यहाँ पे इस बंदे ने लिखा है BGM आउटस्टैंडिंग, एक्शन एडिटिंग सिनेमाटोग्राफी एक नंबर है। इसके अलावा बता दो भाई साहब यहाँ पे एक ट्रू खबरी नाम का पेज है जिसने गए यहाँ पे इसका रिव्यू शेयर किया है, बड़े में छोटे में रिव्यू आउटस्टैंडिंग, अक्षय कुमार कैरेक्टर इज अ सुपर्ब एंड प्री इंटरवल एक्शन ऑफ अक्षय विल ब्लो योर माइंड, टाइगर फाइनली द न्यू एक्शन हीरो इज बैक, अली अब्बा जफर मास्टर ऑफ एक्शन मूवीज, नो बोरिंग सीन फुल एक्शन फास्ट पेस्ड मूवी गाइस, मूवी में कोई भी ऐसा सीन नहीं जो आपको बोर करता हो, मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन जबरदस्त एक्शन और बांध करके रखती है। तो मेरे भाई जो आप सोच रहे थे एक बड़ी धमाकेदार मूवी तो गाइस वो ये फिल्म है, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ को हमारी अली अब्बा जफर ने जिस तरह से पेश किया है भाई एक शानदार रोल में भाई वो कहने की आप लोग फील करने वाले भाई साहब यहाँ पे। भाई साहब मुझे यकीन नहीं हो रहा गाइस जो सोच रहे थे भाई वही चीज निकला भाई साहब यहाँ पे। भाई हम लोग जानते हैं कि हमारा जो विलन है वो सुपर पावरफुल है भाई साहब, यहाँ पे भाई पृथ्वीराज सुकुमार ने फाड़ दिया। अब बात करते भाई साहब यहाँ पे नॉर्मल चीजें गाइस एडवांस बुकिंग, अब भाई आपको बता दूं भाई हमारे जो फैंस वो को नहीं रहे गाइस यहाँ पे हरियाणा केन्स गाइस लगातार भाई हरियाणा केन्स भाई साहब यहाँ पे थिएटर बुक कर लिया, आप देख सकते भाई साहब यहाँ पे उन्होंने वीडियो रिलीज किया टिकट्स के। देखो यार मैं बस ये चीज बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैंने रिव्यूज को देखा ना, जैसे मैं इन चीजों को देख रहा हूँ मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा है कि यार हम लोग क्या फाड़ने वाले हैं, कितना बड़ा फाड़ने वाले हैं और लिटरली भाई फाड़ने वाले हम लोग, हम ये बता दो फाड़ने वाले हैं। बस अब यहाँ पे आपको बता दो गाइस जो एडवांस बुकिंग निकल करके यार मैंने आपसे जो बोला था कहीं ना कहीं मुझे साफ तौर पे नजर आ रहा है कि वो चीज होकर कर रहेगा गाइस। यहाँ पे जो मैं लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहा हूँ भाई साहब यहाँ पे हम लोगों ने गाइस 3.5 करोड़ एग्जैक्टली गाइस 3.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग फिलहाल के इसमें क्रॉस कर दी। और मैं आपको बता दूं ये रिपोर्ट 100% मान के चलो कि गाइस यहाँ पे 10 तारीख की नाइट तक एग्जैक्टली बात हो भाई साहब 10 तारीख की नाइट रिपोर्ट फाइनल आने तक मतलब 10-12 बजे के आसपास जो फाइनल रिपोर्ट आएगा 12 बजे का भाई साहब कहीं ना कहीं हमारा जो आंकड़ा है ये 4.5 करोड़ पार कर सकता है गाइस, 4-4.5 करोड़ आज हम लोग आराम से सिर्फ 10 तारीख की रात को पार कर देंगे। अगर इसी तरह से भाई चलता रहा भाई मैं आपको बता दूं गाइस 11 तारीख के पहले शो से पहले, यस गाइस 11 तारीख की पहले शो से पहले भाई साहब कहीं ना कहीं हमारा जो आंकड़ा होगा ये आराम से 5.2 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है, आराम से मतलब 5 करोड़ के ऊपर है ही लेकिन 5 करोड़ के ऊपर कम से कम 5.2 करोड़ के आंकड़ा हम लोग पार कर सकते हैं। और गाइस जो मैं सोच रहा था भाई ये फिल्म गाइस एक बड़ी अच्छी ओपनिंग लेने वाली है, भले भाई साहब यहाँ पे हमारी ओपनिंग 50-60 करोड़ की नहीं होगी बट उसके बावजूद 30 करोड़ हमारे पॉकेट में है और ये चीज साफ तौर पर नजर आ रहा है। एंड जितना धमाकेदार रिव्यू गाइस आ चुका है इस चीज के अंदर से बोलूंगा कि भाई मेरे फाड़ दिया झंडा गाड़ दिया अली अब्बा जफर ने, जो चीज चाहिए था वो फाइनली हो चुका है। मैं बस बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ एक आध लोगों से बातें करता हूँ ताकि प्रॉपर मैं आपके सामने एक जबरदस्त रिव्यू लेकर रखे, लेकिन अभी के लिए ये भाई फिलहाल इसमें हमारा सीट बिंदास, टिकट बुक करो बिंदास सपोर्ट करो गाइस, फाड़ दिया झंडा गाड़ दिया मैं क्या बोलूं, बहुत खुशी इस चीज को देख करके। थैंक यू सो मच अभी के लिए इतना ही, कमेंट करना आपको कैसा लगा और टिकट बुक किया कि नहीं भाई करो कल धमाका होगा। थैंक यू सो मच।